पहले भाग में हम मिले संजाबाई से, सुने अत्यंत मधुर संजा गीत, किए प्राचीन शिवलिंग के दर्शन, जाना सौम्य काशी का अटल कनेक्शन, समझा रामचरितमानस का महत्व और आखिरकार खो गए मालवी बोली के सौंदर्य में। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो मालवा की सांझ है और हम सौम्य काशी में हैं। बहुत ही रमणीय दृश्य है। गोधुली बेला है, ये पीपल हेला है, भैंसों के पैरों से उड़ती हुई धूल, गायों की आंखों से टपका है नूर, करुणामयी हो गई है सारी सृष्टि, फेर दी है मोहन ने अपनी दृष्टि, कौन कहता है ये जिंदगी झमेला है, देख मेरे प्यारे खुशियों का रेला है, गोधुली बेला है, ये पीपल हेला है। आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं, जिसका आप पहले भाग में हमने संजा बाई के गीत सुने थे, भैया भैंस माता शांत। हाँ, तो जिस तरह हमने पहले भाग में संजा बाई के गीत सुने थे, उसी तरह एक और बहुत ही शानदार और बहुत ही मनमोहक त्यौहार मालवा में मनाया जाता है, जिसका नाम है घलडिया का गीत। अब ये क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, इसका पता तो हमें आज शाम को चलेगा। हमें बस इतना बताया गया है कि शाम के वक्त कुछ कन्याएं एक चकलिया माने एक मिट्टी का घड़ा लेती है छोटा सा, और उसमें आसपास छोटे छोटे होल करती है और बीच में एक दीपक लगाती है, और उसके आसपास एक समूह में बैठकर कुछ लोकगीत गाती है। तो इस तरह का आज का हमारा कार्यक्रम है। उसके बाद हम शामिल होंगे राम मंदिर की आरती में, और उसके बाद कुछ मंदिरों का भ्रमण करेंगे, गांव वालों से बातचीत करेंगे। तो आप भी तैयार हो जाइए, चलिए पीजिए छाछ, टेंशन मत लीजिए, कोई भांग वांग नहीं है, पीजिए। यही है घलडिया का गीत। दशहरा आते आते ग्रामवासी खरीफ फसल के कार्यों से पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं, और तभी से शुरू होता है त्योहारों का सिलसिला, जो कि दीपावली तक चलता है। दशहरे और दिवाली के बीच का समय ग्रामवासियों के लिए उमंग और उत्साह का समय होता है। नना जेठ का गंडा चोरिया, बड़ा जेठ का किलका चोरिया, गटमट बाजी सी जीरा, सुसरोड़ा की जीवन बेटियों, मर गल्या में पानी ने, चलो देरानी चलो जटानी, दोई मन पानी चालंगा, पहला ख्वा में कंडो बोलियो, दूसरा ख्वा में कोयल बोली, मुनाई ने दीबागर मकड़ी बेटियो जारी भाई, गंडो गंडो लाडियो शेर भाग्यो जारी भाई, शेर के लग्यो काटो नहीं कंदोड़ो जारी भाई, नाई ने दीबागर मकड़ी बेटियो जारी भाई, हाथ में बांधिया मुसला मुस मुस करता जारी भाई, घलडिया के गीत मधुर लोक गीतों से सजी वही प्रेम रूपी बेल है, जो दशहरे और दिवाली के दरमियां मालवा भूमि में उमंग और उत्साह का संचार करती है। तो जिस तरह लड़कियां घलडिया का गीत गाती हैं, उसी तरह गांव में लड़कों द्वारा हरणी का गीत गाया जाता है। हरणी मतलब होता है हिरण। तो आप ये देख रहे हैं, ये मिट्टी के हिरण बनाई गई है, तो इसे लेकर ये गलियों में फिरते हैं और हरणी माता का गीत गाते हैं। तो आइए इनके मुख से सुनते हैं हरणी माता का गीत। मारी हरणी गनी लड़की रे, गल्डियो गुलाम गल्डियो, तीन चार लाख की दी जा पड़ियो पहला, चलक चंच जी की केल्डी रे, मंच जी की गाय, चलो लड़ पड़ी मैदान में, टूटो उठो को मार, मरगर पाचे इमली रे, इमली लटा जुम, चोरिया चाली सास रे, घर में दमा जुम,
नसिंगर को किलो उचरे चाट पे बिटिया मोर रानिया सूती मेल मेरे गागरे लगे चोर मार घर पाचे लल्लू रे लल्लू कलमी पोच बाबी रांधे रबड़ी रे दादू मरोड़े मुझ पंचाब की मेरी ऊंची रे ताला में कूचे सरपंच साहब लाया लाड़ी रे नाकान से ऊंची लिपियो पोतियो अंग रे तर बिचू जा दीपावली के आओ रे भाई भाई करती काले खुरपी कालो हाथ रे मिल की नींद बजा ओका बेटा को बैठो रे दाढ़ की दरवाजा पूरा में कबूतर बोलियो मसानिया को भूत पटलन मा के छोरो यो जगत को मूत नसिंगर को किलो ऊंचो रे तन पे बैठिया मोर रानी सूती बेल मेरे गागरे ले गया चोर मार गत पाचे लल्लू रे समली रे तालो चोरिया जाली दास रे घर में दमादो तो घल्डिया और हरणी के गीत सुनने के पश्चात हम शामिल हुए श्री राम की भव्य आरती में। श्री राम चंद्र कृपाल भज मन हरन भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम पठ पीत माने तड़ित रुचि सुचिनो निजनक सुतावरम भज दीन बंद। 2013 में यहाँ पर नया मंदिर बना करके तैयार किया गया। इसके पहले यहाँ पर भगवान राम लक्ष्मण और सीता जी की मूर्ति थी, लेकिन एक मूर्ति उसमें से खंडित थी। इस कारण से उनको सोरू जी में ले जा करके स्थापित कर दी गई। जो यहाँ पुरानी प्राचीन समय से मूर्ति स्थापित थी वो चारों मूर्तियाँ संगमरमर की थी, और जो हमारे पूर्वजों दो चार पीढ़ी से ज़्यादा सात पीढ़ी के आसपास हमारे यहाँ पे यहाँ तक मेरे को अनुभव है हमारे यहाँ मुकुंद चौधरी नाम करके नहीं हमारे पूर्वज आए थे, उस समय का ये मंदिर था और उन्होंने ये यहाँ का यहाँ स्थाप संगमरमर की मूर्तियों की स्थापना करी थी। बोल सियावर रामचंद्र की, पवन पुत्र हनुमान की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हम राम मंदिर से निकले ही थे कि हमें कीर्तन मंडली नजर आ गई। दरअसल सोम्य काशी में हर मंगलवार झंडा लेकर कीर्तन मंडली गांव की गलियों का भ्रमण करती है, और संयोग से आज भी मंगलवार ही था। फिर क्या था, हम भी उनके साथ हो लिए और साथ ही खड़ाओ यानी भिक्षा पात्र भी गले में धारण कर लिए। तो सोम्य काशी में हम रुके हैं, आज दूसरा दिन है और सौभाग्य से आज मंगलवार भी है। हमें पता चला कि हर मंगलवार यहाँ पर कीर्तन निकलती है, तो हम कीर्तन में शामिल हुए। बहुत ही आनंद आया कीर्तन में शामिल होकर। अरे कुंजीलाल जी से जानते हैं कि कितने वर्षों से यहाँ पर कीर्तन निकल रही है, क्या इतिहास रहा है कीर्तन का यहाँ पर? 105 साल से यहाँ झंडा निकलता है। इस गाँव में अभी खंडित नहीं हुआ है और मंडली चल रही है। सभी बात की आनंद है भगवान की दया से। तो फिर देर किस बात की, चलिए हम भी इस आनंद के सागर में डुबकी लगाते हैं। जय हरिद्वार तुम्हारे आया ये बजरंगी बाला,
चरण गहे किरे लजर किनारे अंजनी के लाला, चरण गहे की लजर किना अंजनी के लाला। तन मन धन तेरी सेवा करूँगा, द्वार तुम्हारे द्वार तुम्हारे आया ये बजरंगी माला, चरण गए पीला जा रखना लाला, चरण गए गिरे लज्जा रखना अंजनी के लाला, चरण गए लाला। द्वार तुम्हारे आया ये बजरंगी बाला, चरण गए राम के बिना और राम जी चले ना, हनुमान के बिना दुनिया चले ना, श्री राम के बिना। अरे दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। बोल अंजनी लाल की, गुरुराज महाराज की जय। तो दोस्तों, दिन भर सोम्य काशी पीपल हेला का भ्रमण करने के बाद अब हम वापस वहीं आ गए हैं जहां से हमने सफर की शुरुआत की थी, यानी महाकाल मंदिर। और यहां पर हमारे शयन की व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन इस मुसाफिर को चैन कहां। जैसे ही हमें कुछ महिलाओं के गीत गाने की मध्यम ध्वनि सुनाई दी, हम पहुंच गए उनके समीप। मैडम रोज गाओ भजन करवा, रोज गाओ रे भजन करवा, तो आप भी कर हासी ठंड में भी। अच्छा गाओ, तो सुनाते काज भजन फिर सुना दंग गाओ गाड़ो ले गोरा पानी चाली, गाड़ो ले गोरा पानी चाली, सरवरिया रे पाले सरवरिया रे पाले, संख सहे लिया डोरी आए, संख सहे लिया डोरी आए, गोरा जी के पास गोरा चालो ने पधारो, गारा जले दे बोले नाते। अब भाई हमारा तो कोई ठिकाना नहीं, इसलिए आप हमारे चक्कर में अपनी नींद ना खराब करें, विश्राम करें। जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, जहां एक नई सुबह बाहें फैलाकर हमारा इंतजार कर रही है। तब तक के लिए शुभ रात्रि। जानेव मरम राम असी कही, मही को हाव परम प्रिय अही, मुको कहा ढूंढ रे बंद
तो तेरे।